सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने यूपी पुलिस का संवेदनहीन चेहरा सामने ला दिया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी नहर में बहाए गए छात्र को डंडे से कानपुर के ककवन थाने सीमा के बाहर धकेलते दिखाई पड़ रहे हैं। इस छात्र की 20 दिन पहले मैनपुरी में हत्या करके हत्यारों ने लाश को नहर में बहा दी थी और लाश 200 किलोमीटर बहकर कानपुर पहुँच गई थी और कानपुर पुलिस इस मुसीबत को पीछा छुड़ाना चाहती है। अक्षरा स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से कलम लेने गया, वहीं से गुम हो गया। कैसे खबर मिली आपको? वहाँ बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने कही कि आपका बेटा नहीं मिल रहा है। फिर हम लोगों ने ढुनाई की, फिर साइकिल मिली नहर पर, वहाँ से कुछ सुराग नहीं गया। आज यहाँ पर प्राप्त हुई लैस। कहाँ पर प्राप्त हुई? पनकी। स्कूल से पढ़ने जाता था, जो पढ़ने में अच्छा था। इसमें एक मामला संज्ञान में आया था, फुटेज एक मिला था, उसके बेसिस पे सीओ साहब को बेस की जांच करवाई गई थी। तो ये कि वहाँ तेज बहाव था, एक बॉडी थी, उसको निकालने का प्रयास किया गया लेकिन उसको निकाल नहीं पाए। उसके बाद उसको पूरा सर्च कराया गया और लगातार सर्च कराया जा रहा था। तो आज वो जो बॉडी है वो यहाँ आज नहीं, कल उस पर मिली थी। उसके बाद उसकी पहचान कराई गई, तो पहचान से पता चला है कि वो एक उसके संबंध में पहले से ही मुकदमा दर्ज है और ये मैनपुरी का रहने वाला है। इसका नियमानुसार पंचायत नाम भर के पीएम कराया जा रहा है। इसमें जो कर्मचारी वहाँ मौजूद, एक सिपाही और दो होमगार्ड थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है।